है और आज मैं बात करने वाला हूँ आरओ और एआरओ में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जो अभी तक का जो एक डाटा आया है इसमें लगभग 10 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं और जो हमारी पोस्ट थी वो है 411। तो जो पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो आरओ एआरओ का जो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं इस बार, अब देखने वाली बात यह है जो 10 लाख आवेदन हुए हैं और पोस्ट है हमारी कुल 411। अब एक सीट के लिए लगभग 2600 तीन बच्चे अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए दावेदार हैं। होना किसी एक का है, 2600 जो दो होंगे वो बाहर हो जाएंगे, 2600 तीन नंबर वाला अंदर होगा। तो अब आप देख सकते हो यूपी के अंदर इस टाइम कंपटीशन किस लेवल का है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार मेन से बाहर हैं, कुछ यूपीपीसीएस से बाहर हैं, कुछ अदर एग्ज़ाम से बाहर हैं जो ऑलरेडी रेस में बने हुए हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं जो नए जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर ओ आर ओ का देने वाले हैं, ठीक है, वो भी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहे। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितने भी फॉर्म आए उससे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको काम कंटिन्यू करते रहना है, बस सफलता का यही मंत्र है। अब ये देखोगे कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अरे हमारा कुछ नहीं होगा, अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो जनरली गाइस आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए तैयारी को थोड़ा सा और अप कर दीजिए। ये सभी को पता है कि अब जो नॉर्मल क्वेश्चन आयोग नहीं पूछता जनरली, अब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का यूपीपीसीएस के अंदर आने लगा है। तो अपने लेवल को अप करना है और लो नहीं करना है, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज लगाएं। अब सभी कोचिंगों ने मोस्टली TCS मंत्रा, DIS, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, GS वर्ल्ड और बहुत सारी अदर कोचिंग हैं जिन्होंने अपने टेस्ट सीरीज निकाले हुए हैं और उनकी फोटोकॉपी या जो टेस्ट सीरीज हैं ये आपको मुखर्जी नगर किसी भी दुकान पर चली जाइए, वहाँ पर आपको बड़े आराम से प्रोवाइड हो जाएंगे। एक टेस्ट जनरली 30 से 40 रुपये का होता है और वहाँ से खरीद लाइए एक साथ और आप दवा का टेस्ट लगाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ज़्यादा तो नहीं है पर टाइम इतना है कि अभी हो सकता है क्लियर एग्ज़ाम हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये नहीं देखना है कि ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, कम रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और बार बार उन्हीं का रिवीजन करना है। अब इसमें एक बात आती है जो 140 का जो GS वाला पोर्शन है उसमें कम से कम आपको 80 तो क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, मतलब 80 नंबर तो वहाँ पर लाने ही लाने हैं। आरओ के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसका ओ लेवल है वो थोड़ा सा नीचे उसका चल जाएगा एआरओ वालों के लिए, पर आपको 80 प्लस नंबर वहाँ पर टारगेट करके चलना है। अब कुछ छोटे छोटे जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, यूपी स्पेशल है और आपका इसी के अंदर ले लेते हैं हम पॉलिटी, तो ये जो चार सब्जेक्ट हैं इन चार सब्जेक्टों में से कम भी आपके 20 से 40 क्वेश्चन के लमसम देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी ये स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा था, शायद 45 क्वेश्चन थे चारों सब्जेक्ट के। और जो आपको देखना है फिर बचते हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं हमारे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पार्ट एक पार्ट लेकर चलिए और जो दूसरा जो मैंने अभी चार सब्जेक्ट बताए थे उनका अदर पार्ट लेकर चलिए, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में उन्हें डिवाइड कर चलिए। तो इसके अंदर जो हमारा ये जो है यहाँ पर